हेलो एवरीवन, हितेश हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी द इनक्रेडिबल हल्क। ये मूवी एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी कहानी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्लिंगटन वर्जीनिया से, जहां में दिखाया जाता है एक मिलिट्री बेस जहां के जनरल थंडरबोल्ट रोज गामा रेडिएशन के साथ में एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं अपने ही कुछ साइंटिस्ट के साथ में। उस साइंटिस्ट का नाम होता है ब्रूस बैनर, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के आ जाने की वजह से वो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है और साथ ही ब्रूस बैनर एक बहुत ही बड़े दानव यानी कि हल्क में बदल जाता है और न चाहते हुए भी वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। उस नुकसान में थंडरबोल्ट की बेटी यानी कि एलिजाबेथ रोज भी जख्मी हो जाती है। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है 5 साल आगे। हमें दिखाया जाता है ब्राजील का रोसीना फवेला, एक राज्य जहाँ पर अब ब्रूस बैनर सभी लोगों से छुपते छुपाते अपनी जिंदगी को जी रहा होता है और साथ ही अब वो अपने दानव यानी कि जो हल्क की सुपर पावर होती है, हल्क में कहीं बदल ना जाए उसको भी रोकने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में हमेशा एक घड़ी पहना करता था। उस घड़ी की मदद से ब्रूस बैनर अपनी हार्ट बीट्स को काबू में रखने की कोशिश करता था और साथ ही ये ध्यान रखता था कि कहीं हार्ट बीट्स 200 पर ना पहुंच जाए, क्योंकि जब अगर हार्ट बीट्स 200 पर पहुंच जाएगी तो ब्रूस बैनर फिर से अपने इंसानी शरीर से बदलकर हल्क में बन जाने वाला था। उसी की वजह से वहां पर ब्रूस बैनर एक योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेता है जिसमें वो अपनी शारीरिक गतिविधियों यानी कि अपनी हार्ट बीट्स को काबू करने की कोशिश करता है और साथ ही अपना जीवन यापन करने के लिए वो वहाँ की एक सोडा फैक्ट्री में भी जॉब करता है। एक दिन वहाँ उस फैक्ट्री में काम करते करते ब्रूस बैनर के हाथ में एक छोटी सी खरोच लग जाती है जिसकी वजह से उसका खून वहाँ चल रही कन्वेयर बेल्ट की बोतलों में से एक बोतल में गिर जाता है और वो बोतल्स एक यूएसए के बैच में पैक होकर वहाँ फैक्ट्री से निकल जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर ब्राजील के एक आदमी से एक डील करता है। वो उसमें एक फूल उससे मंगवाता है। जब घर आकर वो उस फूल पर टेस्ट करता है तो वो अपने लैपटॉप में एक मिस्टर ब्लू से बात करता रहता है और उसे बताता है कि वो खास फूल मुझे मिल गया है जो कि हल्क बनने वाले एक्शन को रिवर्स कर सकता था। जब ब्रूस उस केमिकल को बना लेता है तो वो अपने खून पर एक उसका टेस्ट करता है और जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता लगता है कि हाँ, धीरे धीरे ये काम करने लगा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में हमें ये पता चलता है कि उसका टेस्ट फेल हो जाता है और फिर से उसका खून हल्क में प्रतिक्रिया करने लगता है, यानी कि अब ब्रूस को कोई और तरीका निकालना पड़ेगा अपने आप को हल्क बनने से रोकने के लिए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है यूएसए की तरफ, जहां हमें दिखाई देते हैं स्टैनले। वो अपने फ्रिज को खोलते हैं और एक सोडे की बोतल को खोलकर पीने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस सोडे को पीते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। इस बात का पता वर्जीनिया की उस यूनिवर्सिटी में यानी कि थंडरबोल्ट रोज को लगता है तो वो अपने स्टाफ से पूछते हैं कि आखिर ये घटना कहां पर घटी थी। तब वो बताते हैं कि यूएसए के अंदर एक स्टैनले नाम का आदमी था जिसने वो सोडा पिया था जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। तब थंडरबोल्ट रोज पूछते हैं कि आखिर वो सोडा आया कहां से था, तो वो बताते हैं कि ब्राजील की एक सोडा फैक्ट्री में। तब थंडरबोल्ट को पता लग जाता है कि ब्रूस होना हो ब्राजील की उसी सोडा फैक्ट्री में काम कर रहा है और साथ ही वो एक नई सैनिकों की टीम बनाने का आदेश दे देता है जिसका नेतृत्व करता है एमिल ब्लॉन्स्की। थंडरबोल्ट रोज के आदेशों के तहत एमिल ब्लॉन्स्की और उसकी टीम ब्राजील में ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए निकल जाती है और जहां वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है वो वहां पर जाकर उसकी सारी डिटेल्स और उसके घर का एड्रेस भी निकलवा लेती है और जब वो उसके घर पर पहुंचकर उसकी छानबीन करने लगते हैं तो ब्रूस बैनर को उनका पता लग जाता है और वो चुपके से घर से निकलकर वहां से भाग जाता है। वहां पर उन दोनों ही यानी कि एमिल ब्लॉन्स्की की टीम और ब्रूस बैनर के बीच में काफी भागम भागी होती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब ब्लॉन्स्की की टीम आखिरकार ब्रूस बैनर को पकड़ ही लेती है और इसी बीच वहां पर ब्रूस को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से ब्रूस की हार्ट बीट्स अब 200 प्लस हो जाती है और वो हल्क में बदल जाता है। हल्क में बदलने के बाद वो एमिल ब्लॉन्स्की की पूरी टीम का भर्ता बना देता है और उन सभी को नुकसान पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। एमिल ब्लॉन्स्की उस बड़े से राक्षस को देखकर हैरान हो जाता है और जाकर रिपोर्ट करता है थंडरबोल्ट रोज को और कहता है कि हम ब्रूस बैनर को बस पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वहां पर न जाने कौन सा एक हरे कलर का राक्षस आ गया जिसने हमारा रास्ता रोक लिया और ब्रूस बैनर को वहां से भागने में मदद कर दी। तब थंडरबोल्ट ब्लॉन्स्की को बताते हैं कि वो हरा राक्षस और कोई नहीं, वो ब्रूस बैनर ही था।
इस बात को सुनकर ब्लॉन्स्की हक्का बक्का रह जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसमें ऐसी शक्ति आई कहां से, मुझे भी वो शक्ति चाहिए। तब वहां पर थंडरबोल्ट रोज ब्लॉन्स्की को एक लैब में लेकर जाते हैं जहां वो उसे देते हैं डॉक्टर रेनस्टेंग का बनाया गया एक सुपर सोल्जर सीरम। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वही सुपर सोल्जर सीरम होता है जिसका यूज कैप्टन अमेरिका मूवी में स्टीव रॉजर्स पर किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। और साथ ही इस सीरम का कलर भी ब्लू होता है जो कि 99% उसी सीरम के कलर से मैच करता है। अगली सुबह ब्रूस अपने आप को एक जंगल में पाता है। वो वहां से मदद मांगने के लिए रोड पर आता है और वहां उसे एक गाड़ी मिल जाती है। ब्रूस उसे रास्ते में रोककर कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो वो गाड़ी वाला पूछता है कि आखिर तुम कहां जा रहे हो, तो वो उसे पूछता है कि सर वैसे तो मेरी कोई मंजिल नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहां पर जा रहे हैं, तो वो उसे बताता है कि मैं मैक्सिको की ओर जा रहा हूं। तो ब्रूस उसे कहता है कि ठीक है आप मुझे मैक्सिको तक लिफ्ट दे दीजिए। और मैक्सिको में आने के बाद में वो अपने खास दोस्त स्टेन से मदद मांगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे एक जॉब दे सकते हो, और साथ ही मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या मुझे रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है। तो उसका दोस्त स्टेन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे इस पिज्जा के रेस्टोरेंट में ऊपर वाला एक रूम खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो और साथ ही पिज्जा डिलीवरी का काम भी कर सकते हो। एक दिन जब ब्रूस बैनर पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है तब वहां पर उसे अपना पहला प्यार यानी कि एलिजाबेथ रोज दिखाई पड़ती है। लेकिन एलिजाबेथ अकेली नहीं होती, वो वहां पर एक और साइकेट्रिस्ट के साथ में होती है। अब ऐसा लगने लगता है कि एलिजाबेथ को उस साइकेट्रिस्ट से प्यार हो गया है। अब क्योंकि ब्रूस स्टेन के दिए हुए पिज्जा की शॉप में काम कर रहा होता है एज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय, तो उसे एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऑर्डर आता है पिज्जा का और वो उस इंस्टीट्यूट में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जाता है। वहीं पर नीचे एक चौकीदार बैठा होता है और गाइस ये चौकीदार वही होता है जिसका नाम होता है लू फेरिग्नो, जिसका जिक्र मैंने अपनी पहली यानी कि हल्क 1 में भी किया था। ये वही लू फेरिग्नो था जिसने आज से पहले जो हल्क की सीरीज थी यानी कि 1988, 1992 और साथ ही 1994 में। तो चलिए वापस से अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। जब ब्रूस उस पिज्जा की डिलीवरी कर देता है तो पास ही पड़े एक कंप्यूटर में वो सोचता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट कर सकता हूँ, और वहीं पर वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर में एंटर करता है और मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मैं फिर से हल्क बन गया हूँ, क्या आपके पास में और कोई रास्ता है जिससे मैं इस बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकूं। तब वहां पर मिस्टर ब्लू कहते हैं कि मेरे पास में तुम्हारे खून के सैंपल्स की जरूरत है, अगर तुम मुझे अपने खून के सैंपल्स लाकर दो तब मैं जाकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, अदरवाइज ऐसे चैटिंग करके मैं तुम्हें कुछ भी सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। ब्रूस वहां से निराशा के साथ में फिर से स्टैन के पिज्जा रेस्टोरेंट में आ जाता है और वहीं हम रात को देखते हैं कि एलिजाबेथ रोज अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जो साइकेट्रिस्ट उसका नया पार्टनर होता है उसके साथ में वहीं स्टेन के पिज्जा रेस्टोरेंट में पहुंचती है। और जब ब्रूस को ये पता लगता है कि एलिजाबेथ वहां पर आई है तो वो शर्म के मारे वहां से निकल जाता है, लेकिन इस बात का पता एलिजाबेथ को चल जाता है और वो वहां से भागकर उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं कि रात में बरसात शुरू हो जाती है और ब्रूस अब उस रेस्टोरेंट को छोड़कर वहां से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ उसका पीछा करते करते आखिरकार उसे ढूंढ ही लेती है और उसे कहती है कि आखिर तुम इतने समय से कहां थे, मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तब ब्रूस एलिजाबेथ को कहता है कि मैं अपनी हल्क वाली बीमारी की वजह से इधर उधर अपने आप को छिपाता फिर रहा था, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से हल्क बन जाऊं और सभी लोगों पर अपना आतंक और अपना कहर मचा दूं, इसी की वजह से मैं आज तक तुमसे दूर रहा। एलिजाबेथ का ऑफिशियली नाम यानी कि इंस्टीट्यूट में उसका नाम एलिजाबेथ होता है और घर में उसका नाम बैटी होता है। तब बैटी वहां पर ब्रूस से पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद और किस प्रकार कर सकती हूं। तब वहां पर ब्रूस कहता है कि मुझे इंस्टीट्यूट में जाकर फिर से मिस्टर ब्लू से बात करनी पड़ेगी, वही मेरे इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर मेरी मदद कर रहे हैं जिससे मैं हल्क वाली गामा रेडिएशन को खत्म करके फिर से अपना इंसानी रूप पा सकता हूँ। तभी वो दोनों सुबह मिलकर उस इंस्टीट्यूट में जाने लगते हैं, लेकिन क्योंकि एक रात पहले वहां पर ब्रूस ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करी थी, इसी की वजह से अब थंडरबोल्ट रोज को भी उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो उसी लोकेशन पर अपने कई सारे जवान भेज देता है जिसके अंदर एमएल ब्लॉन्स्की भी शामिल होता है। अब क्योंकि एमएल ब्लॉन्स्की के अंदर सुपर सोल्जर सीरम होता है तो उसके अंदर भी कैप्टन अमेरिका जैसी शक्ति आ जाती है, वो काफी तेज भागने लगता है, उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ और सुपर फास्टनेस आ जाती है। और तभी वहां पर ब्लॉन्स्की अपने सैनिकों को उस ओवरब्रिज में जहां पर ब्रूस फंसा हुआ होता है वहां पर 2 ग्रेनेड लॉन्चर फेंकने का आदेश दे देता है। वहीं पर सैनिक उसकी बात मानते हुए अपने ग्रेनेड लॉन्चर से वहां पर 2 ग्रेनेड फेंक देते हैं जिसके अंदर से गैस निकलने लगती है। अब वो गैस जैसे ही ब्रूस पर हावी होने लगती है तो ब्रूस अपना आपा खो बैठता है और उसकी हार्ट बीट
200 प्लस हो जाती है, जिसकी वजह से उसका शरीर फिर से दानव यानी कि हल्क में बदल जाता है। और इस बार जब वो हल्क में बदलता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके सभी सैनिकों पर हमला बोल देता है। हल्क में इतनी शक्ति होती है कि वो वहां मौजूद सभी टैंक्स को उलट पलट करके सभी सोल्जर्स को वहां से पटकता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जब भी कोई सोल्जर उस पे गोली चलाता है तो उस गोलियों का उसके शरीर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी वहां पर थंडरबोल्ट एक और नई तोप को वहां पर बुलाने का आदेश देते हैं। वो एक्चुअली एक गामा वेव्स की तोप होती है जिसके अंदर से गामा वेव्स निकलती है, और जब हल्क पर उन गामा वेव का असर होता है तो वो एक जगह पर रुक जाता है और वो उनसे बचने के लिए काफी कोशिश करता है। पास ही खड़े एक टूटे हुए कवच को वो अपने हाथ में ले लेता है और उन वेव्स को रोकने की कोशिश करता है, और एक पल ऐसा आता है जब वो उस तेज धार कवच को उस पूरी तोप के बीच में फेंक के मार देता है, जिसकी वजह से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही गामा वेव्स का असर भी खत्म हो जाता है। उसी बीच वहां पर ब्लॉन्स किया जाता है। एक तरीके से ब्लॉन्स की हल्क को धुतकारने के लिए वहां पहुंचता है और उसे कहता है कि क्या तुम में बस इतनी ही शक्ति है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हल्क तो हल्क है, और वो ब्लॉन्स्की को एक लात मार के देता है, और तभी ब्लॉन्स्की एक पेड़ में भचीड़ खा जाता है जिसकी वजह से ब्लॉन्स्की की सारी हड्डियां टूट जाती है, और वहां से हल्क बेटी को अपने साथ में लेकर भाग जाता है। वहीं पर थंडरबोल्ट और उसकी पूरी टीम ब्लॉन्स्की को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है, जहां में दिखता है कि ब्लॉन्स्की की अब हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी है और अब वो चलने के लायक भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस और बेटी अब दोनों मेक्सिको से न्यूयॉर्क निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें अब मिस्टर ब्लू से मिलना होता है, क्योंकि मिस्टर ब्लू के पास में ही वो राज था जिसकी मदद से वो ब्रूस बैनर को फिर से इंसान में बदल सकता था, यानी कि उसकी हल्क की पावर को पूरी तरीके से खत्म कर सकता था। और वहां पर वो फिर से एक कंप्यूटर में मिस्टर ब्लू से चैट करते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर ब्लू का असली नाम सैमुअल स्टेन है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की का शरीर अब फिर से रिकवर होना शुरू कर देता है, और वो आकर फिर से थंडरबोल्ट ब्रूस को कहता है कि मुझे अब ब्रूस बैनर को पकड़ना ही है, और मैं जब तक उसे पकड़ूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। उसी बीच ब्रूस और बैटी भी अब न्यूयॉर्क के अंदर मिस्टर ब्लू से मिल जाते हैं, यानी कि सैमुअल स्टेन से मिल जाते हैं, और जब वो उनसे मिलते हैं तो सैमुअल स्टेन को अपनी पूरी कहानी ब्रूस बैनर बताता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को बदल देता हूं, यानी कि हल्क बन जाता हूं, और जब मैं हल्क बनता हूं तब मैं अपने आप से अपना काबू खो बैठता हूं, और जो भी मेरे आसपास होता है मैं उन सभी चीजों को तबाह करते हुए आगे निकल जाता हूं। क्या इस चीज का तुम्हारे पास में कोई इलाज है? तब वहां पर सैमुअल ब्रूस से कहता है कि जब तुमने मुझे अपने खून के कुछ सैंपल भेजे थे तो उनकी मात्रा काफी कम थी, इसलिए मैंने उन्हें गाढ़ा बनाया और उसके कई सारे सैंपल्स निरीक्षण के लिए अपने लैब में रख दिए। जब ब्रूस उन सभी निरीक्षण्स को देखता है, यानी कि उन सभी सैंपल्स को देखता है, तो उसका दिमाग फिर जाता है और वो सैमुअल से कहता है कि तुम्हें इन सबको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक इंसान ऐसा है जिसका नाम है ईमल ब्लॉन्स्की, वो इन सभी निरीक्षणों के पीछे पड़ा है, और अगर उसे ये मिल गया तो इस पूरी दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, हमें अभी के अभी इन सभी सैंपल्स को नष्ट करना पड़ेगा। वहीं ब्लॉन्स्की और उसके कुछ सिपाही एक जहरीला तीर मार देते हैं ब्रूस को, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और ब्लॉन्स्की की टीम उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो आखिरकार बैटी और ब्रूस को पकड़कर फिर से वर्जीनिया ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ब्लॉन्स्की वहीं पर उस लैब में रुक जाता है और आकर सैमुअल से कहता है कि आखिर तुमने इस पर क्या निरीक्षण किए थे जिसकी वजह से ब्रूस हमेशा हल्क में बदल जाता है। तब वहां पर सैमुअल उससे कहता है कि इसके अंदर गामा रेडिएशन की वजह से ये अपने पूरे शरीर को बदल पाता था, लेकिन अब मैंने उसका स्ट्रेन निकाल दिया है। तब वहां पर ब्लॉन्स्की कहता है कि अगर तुम मुझसे अपनी जान बचाना चाहते हो तो वो स्ट्रेन मेरी बॉडी के अंदर डाल दो, अब मैं भी हल्क की तरह अपनी पूरी बॉडी को बदलना चाहता हूं, मैं भी उसकी तरह बेशुमार ताकत पाना चाहता हूं। और वहीं पर सैमुअल उसकी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेन डालने लगता है, जिसकी वजह से अब ब्लॉन्स्की की बॉडी भी बदलना शुरू कर देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थंडरबोल्ट रोज ने ब्लॉन्स्की की बॉडी के अंदर सुपर सोल्जर सीरम ऑलरेडी इंजेक्ट किया हुआ होता है, अब जब उसे हल्का स्ट्रेन भी मिल जाता है और वो बन जाता है अबोमिनेशन, यानी कि एक बहुत ही बड़ा दानव। अब क्योंकि वहां पर ब्लॉन्स्की के शरीर के अंदर इतने बदलाव आ चुके होते हैं, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को भी उठाकर फेंक सकता था, और अब वो अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए हल्क को ललकारने की कोशिश करता है ताकि हल्क आए और उससे लड़े और वो अपना बदला ब्रूस से पूरा कर सके। और जब हेलीकॉप्टर में बैठे ब्रूस, बेटी और साथ ही थंडरबोल्ट रोज को ये पता लगता है कि ब्लॉन्स्की ने उनके साथ दगाबाजी करी है और साथ ही हल्क स्ट्रेन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लिया है और पूरे शहर को तबाही की ओर ले जा रहा है,
तब वहां पर ब्रूस थंडरबोल्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अबोमिनेशन को रोकने के लिए अब मुझे ही जमीन पर उतरना पड़ेगा, ये आपकी ही गलती है, इसी की वजह से ब्लॉन्स्की के अंदर इतने सारे बदलाव आए हैं और अब ये पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। तभी वहां से ब्रूस उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जमीन में गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फिर से ब्रूस का शरीर हल्क में बदल जाता है और अब हल्क और अबोमिनेशन के बीच में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अब दोनों के पास में ही सुपर सोल्जर पावर और काफी सुपर स्ट्रेंथ होती है, इसलिए उन दोनों के बीच में एक काफी घमासान युद्ध होता है। दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अबोमिनेशन हल्क को उठाकर फेंक देता है उस हेलीकॉप्टर के तरफ जिसके अंदर बैटी और थंडरबोल्ट थे। अब क्योंकि हल्क उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है तो इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर भी एक बिल्डिंग पर गिर जाता है और हेलीकॉप्टर की बिल्डिंग पर टकरा जाने से उसके टैंक में दरार आ जाती है और वहां से पेट्रोल रिसने लगता है और उन पेट्रोल पर उस हेलीकॉप्टर से निकली चिंगारियां भी गिरने लगती हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस हेलीकॉप्टर के अंदर आग लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर हल्क अपनी चालाकी का यूज करता है और एक बहुत ही जोर की ताली बजाता है जिससे कि एक हवा की लहर फैलती है और हेलीकॉप्टर पे जो आग लगी होती है वो सारी वहां से चली जाती है। इसी बीच अबोमिनेशन फिर से हल्क पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब वो अबोमिनेशन को एक मुक्का मारकर वहां से गिरा देता है। तभी वहां पर अबोमिनेशन के हाथ में दो बड़े बड़े चेन से बंधे कुंदे आ जाते हैं जिनको वो घुमाकर हल्क पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हल्क जमीन पर एक जोर का मुक्का मारता है जिसकी वजह से वहां पर एक दरार आ जाती है और अबोमिनेशन का पैर उस दरार में गिर जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो चेन के कुंदे छूट जाते हैं और सीधे उसके सर पर आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वहां पर अबोमिनेशन थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और वही वक्त मिलता है हल्क को अबोमिनेशन को मारने का और तभी वहां पर हल्क उन चेन को उठाता है और अबोमिनेशन के गले पर जोर से बांधने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है और तभी वहां पर अबोमिनेशन हल्क से हार मान जाता है और अपने आप सरेंडर कर देता है और इसी की वजह से अब हल्क को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से एक दहाड़ मारता है। तभी वहां पर बैटी आकर उसे देखती है, हल्क भी बैटी को देखता है, लेकिन क्योंकि अब हल्क जानता है कि वो इंसानी रूप में कभी नहीं आ सकता इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है 6 महीने, हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बैटी और थंडरबोल्ट भी अब एक आम जिंदगी जी रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया के बेला लूटा राज्य के अंदर अभी भी हल्क जिंदा है और वहां पर अपना चैनल वुमेन से गुजारा कर रहा है और अब वो अपनी हल्क की शक्तियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बार के अंदर बैठकर थंडरबोल्ट रूज कुछ दारू पी रहे होते हैं, तभी वहां पर टोनी स्टार्क की एंट्री होती है और वो थंडरबोल्ट रूज से कहते हैं कि क्या आपके सैनिक मुझे मिल सकते हैं। तब वहां पर थंडरबोल्ट टोनी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें वो सैनिक क्यों चाहिए। तब वहां पर टोनी रिवील करता है कि मैं एक टीम बना रहा हूं जिसका नाम है एवेंजर इनिशिएटिव और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर कम्प्लीटली खत्म होती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मैं आयरन मैन 2 को लेकर अपने चैनल पर जल्दी ही लौटूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।